पीसीसी में आज से फिर मंत्री दरबार। मंत्री हेमाराम चौधरी और शाले मोहम्मद कर रहे हैं जनसुनवाई। चार महीनों के बाद पीसीसी में मंत्री दरबार। कोरोना की तीसरी लहर के कारण स्थगित किया था जनसुनवाई का कार्यक्रम। ये सब हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा प्राचीन कॉरिडोर वापस विकसित होगा। हेमाराम जी, राज्यसभा चुनाव भी आ गए, अब 10 जून की तारीख है राज्यसभा चुनाव की। आप खुद भी नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस 4 में से 3 सीटें जीत लेंगी? बिल्कुल, कांग्रेस 4 सीटों में से 3 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के पास इतने मत है और जहाँ तक उम्मीदवार पार्टी तय कर देगी और उसके बाद में इस बार मजबूती से कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। क्योंकि एकता की बात आती है, आपस की पार्टी की यूनाइटेड रहने की बात आती है। बीजेपी का ये दावा है कि कांग्रेस में जो मतभेद है उसका लाभ उन्हें मिलेगा और वो 2 सीटें जीतेंगे। अब ये राज्यसभा के चुनाव बता देंगे कांग्रेस में एकता है या नहीं है। तीनों सीटें जीत गए तो ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस में एकता। बीजेपी वालों का तो और कुछ कहने को है नहीं, इसलिए कांग्रेस में एकता नहीं यही कहने के लिए अब उनके पास रहा। इसके अलावा उनके पास अब कुछ कहने को बोलने को कुछ नहीं रहा। एकता तो उनमें नहीं है और वो ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एकता तो बीजेपी ने भी, वसुंधरा अपनी अलग चाल चल रही है, बाकी नेता अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। तो फूट तो बीजेपी में, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सब एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम अख्तर हमारे साथ हैं। अब नसीम जी, जो कि पदाधिकारी के तौर पर सुनवाई कार्यक्रम में है, नसीम जी किस तरह से एक पदाधिकारी के नाते मंत्रियों का पीसीसी सहयोग करता है और जो समस्याएं बाहर ऊपर तक पहुंचाने की होती है उसको लेकर क्या योगदान आपका रहता है? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में माननीय दोनों कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब और माननीय मंत्री महोदय साले मोहम्मद जी दोनों यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं। पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मैं भी उनका सहयोग कर रही हूँ। किसान जी हैं, प्रतिष्ठा जी हैं, पीसीसी में पूरे लोग यहाँ इनका सहयोग कर रहे हैं ताकि आने वाले लोगों की पूरी तरह सुनवाई हो सके। और सरकार तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज यहाँ जन सुनवाई हो रही है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है क्योंकि कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता की जन सुनवाई पीसीसी में हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है ताकि आम जनता यहाँ आकर अपनी बात बेबाक तरीके से बता सके और उनकी जन सुनवाई हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं। साले मोहम्मद जी से हम बात करेंगे। ऑस्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें हैं जनसुनवाई कार्यक्रम की, पीसीसी में जनसुनवाई का तय कार्यक्रम है और उसी के अनुरूप परिवादी यहां पर पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है क्योंकि दो दो मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों मंत्री लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं, आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पर आम लोगों को ये उम्मीद भी है, कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद है कि जब मंत्री तक उनकी बात पहुँची है तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। और यही वजह कि भारी संख्या में कार्यकर्ता आम जन पीसीसी पहुँचे हैं जनसुनवाई के इस तय कार्यक्रम में अपनी समस्याएँ लेकर। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मंत्री जनसुनवाई कर रहे थे। हालांकि जनसुनवाई अभी भी लगातार जारी है और कई पदाधिकारी जो हैं वो भी इस जनसुनवाई के दौरान मौजूद हैं, वो भी आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और कोशिश और कवायद सभी की यही है कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो, समस्याओं का निपटारा हो। यही वजह आम लोग भी पहुंचे और यहाँ पर जनसुनवाई का ये तय कार्यक्रम। फर्स्ट इंडिया लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस जनसुनवाई कार्यक्रम की आप तक पहुंचा रहा है। 4 महीने का लंबा इंतजार, उसके बाद जनसुनवाई का ये तय कार्यक्रम, क्योंकि 4 महीने तक कोरोना की तीसरी लहर की वजह से जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। पर अब जब चीज़ें वापस से पटरी पर लौटी हैं, जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है, तो ऐसे में तमाम तय कार्यक्रम भी और उसी के अनुरूप ये जनसुनवाई का कार्यक्रम भी। तो 4 महीनों के इंतजार के बाद फिर से मंत्री दरबार गुलजार हुआ है। आम लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं मंत्रियों के समक्ष और मंत्री भी लगातार तफसील से उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और
दिशा निर्देश भी आगे अधिकारियों को दिए जाएंगे, उनकी समस्याओं को लेकर बात भी पहुंचाई जाएगी कि किस किस तरीके की समस्याएं हम लोगों के समक्ष है, तो तमाम मुद्दों को लेकर ध्यान से सुना जाएगा और ध्यान से उनकी समस्याओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है समाधान, इसको लेकर भी चिंतन मनन का दौर यहाँ पर रहेगा। अब ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से एक परिवादी की समस्या को दोनों ही मंत्री बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं, परिवादी भी विस्तार से अपनी समस्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं, 1-to-1 संवाद यहाँ पर हो रहा है और यही वजह कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता कि आए परिवादी अपने ज्ञापन या अपने मांग पत्र मंत्रियों तक पहुँचाएं और उसके बाद एक प्रक्रिया का इंतज़ार वो कर रहे हैं, जबकि अगर हम तस्वीरों को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि परिवादी आए मंत्री के समक्ष आराम से विस्तार से अपनी समस्या के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे हैं, मंत्री भी बड़े ही ध्यान से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, पदाधिकारी जो पीसीसी के मौजूद हैं वो भी उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो आम लोगों का विश्वास भी बढ़ जाता है और आम लोग इसी वजह से ऐसी जनसुनवाई में पहुंचते भी हैं क्योंकि उनकी उम्मीद वहां पर जुड़ जाती है कि अगर हमारी ध्यान से बात सुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान भी निकलेगा और समस्या का निपटारा भी होगा।